Hey friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे. आज की रीडिंग है जिसका टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है. रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है. विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज़ एंजल्स बताइए नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है. ओम नमः शिवाय. फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का. सेकंड कार्ड आया है हमारा फोर ऑफ वैंड्स. अमेजिंग. थर्ड कार्ड आया है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स. नेक्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके. एंड बॉटम की हमारी एनर्जी है, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स की. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं, इम्पोर्टेंट जोडियक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड अक्वेरियस हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हैं. इम्पोर्टेंट नंबर, इम्पोर्टेंट डेट्स 4/22, 13/31, 6/15/24, 3/12/21/30, 4/22/13/31, 2/11/29/20. ये नंबर, ये डेट्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एंड ज़रूरी हो सकती हैं. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ सॉलिड चाह रहे हैं, कुछ सॉलिड, एक ऐसा रिश्ता जिसका बेस बहुत मजबूत हो, जो लॉन्ग टर्म तक के लिए चले, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए ना चले. लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनकी मदर नहीं मान रही है, या फिर उनके करियर में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे. ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वाइफ नहीं मान रही हो, या फिर आप सेपरेटेड हो, डाइवोर्सी हो एंड वो सिंगल हो, ऐसी भी वाइब्रेशंस हैं. तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं. यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा भी लगता हो कि ये कनेक्शन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. फैमिली नहीं मान रही है, करियर इशू हैं, एक सिंगल है, एक सेपरेटेड है, डाइवोर्सी है, या फिर आपके पर्सन को कहीं से डाइवोर्स लेकर आपकी तरफ एक्शन लेना है, जिसमें ऑब्वियसली काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, क्योंकि उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी डोमिनेंट पर्सनालिटी हैं. मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन आपके साथ एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाह रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में या बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट जोन में हैं. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में रीयूनियन की एनर्जी बहुत सॉलिड है. मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वो आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पे 11/11 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी है. आप में से कई लोग सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप में से बहुत सारे लोगों के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में परमानेंट रीयूनियन होता हुआ दिखाई देता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर, उनसे झगड़ा कर या उनके अगेंस्ट जाकर या उनसे मुंह मोड़कर इंपेशेंट होकर आपकी तरफ रीयूनियन का एक्शन लेंगे. अब आप में से कई लोगों का रीयूनियन अगले 2 दिनों में होने वाला है, जिसको कोई ताकत नहीं रोक सकती. और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हो रहा है, इसके लिए आपने बहुत प्रेयर्स की हैं, मैनिफेस्टेशंस की हैं, कुछ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस यूज़ किए हैं, बहुत मन्नतें मांगी हैं, फास्ट रखे हैं, बहुत कुछ आपने किया है, जो आपको समझ में आया आपने किया है. और फाइनली यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है मैसिव रीयूनियन. आई एम वेरी हैप्पी. जब इस तरह की एनर्जी आती है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है. 46, 64, कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हों, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपके साथ सॉलिड रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे, आपके साथ परमानेंट रीयूनियन करेंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे, एंड उन्हें लगेगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं,
थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर उनसे झगड़ा कर उनसे सेपरेट होकर जैसे भी पॉसिबल हो आपकी तरफ रीयूनियन का एक्शन लेंगे। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग सीक्रेट मैरिज करें या सीक्रेट लेवल पर रीयूनियन करें एंड कहीं और जाकर बस जाएं जहां किसी भी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस ना हो। ऐसी भी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। अब हम और चेक करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं अगले 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स। ये देखिए थंडरबोल्ट का कार्ड है। तो आप में से कई लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है। और आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ें कैसे बदलेंगी। लेकिन अगले 48 घंटे, अगले 2 दिन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों का परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मे गॉड ब्लेस यू। देखिए द बर्डन की एनर्जी है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स है द बर्डन। अब आपके बिना आपके पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो आपके साथ कहीं दूर जाकर सेटल डाउन होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन से दूर चले जाना चाहते हैं। बॉटम में फ्लावरिंग की एनर्जी है, आपको ग्रो करता हुआ देखकर, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने काफ़ी इनर वर्क किया है, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया है, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दिया है एंड इन सब चीज़ों की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं। वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली आप दोनों बेटर हाफ हैं एक दूसरे के और नेक्स्ट 2 डेज में रीयूनियन होने वाला है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हैं आप ये लगा लीजिए कि अगले 2 दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। सोरो की एनर्जी है, आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 48 घंटे में। यहाँ सोरो की एनर्जी है और यहाँ इम्पेशेंट की। तो डेफिनेटली जब इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे तो एक इमोशनल ब्लास्ट उनके अंदर होगा और उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा रीयूनियन का। बॉटम में है मोरालिटी, डेफिनेटली बहुत ही मैनरेबल वे से, बहुत ही तमीज से, अपने अहंकार और प्राइड को पीछे छोड़कर आपके साथ वो बात करेंगे, रीकनेक्ट होंगे, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे और आपके साथ रीयूनाइट होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे डॉग्स ने काफ़ी शोर मचा रखा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में कंपैरिजन, वो कंपेयर करेंगे अपनी लाइफ को औरों की लाइफ से कि यार वो कपल कितने अच्छे हैं, वो कपल कितने अच्छे हैं, मेरी लाइफ में ही मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है। और आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हुए भी दिखाई देते हैं। और बॉटम में है मैच्योरिटी, लेकिन स्टिल चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मैच्योरली निकलेंगे एंड आपकी तरफ मैच्योरली एक्शन लेंगे। और कार्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। एडवेंचर, जो एक्शन वो अभी तक नहीं ले पा रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, अब वो एक्शन लेंगे और उन्हें वो एक्शन लेने में अब कोई नहीं रोक सकता। सेलिब्रेशन आ रही है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में। बॉटम ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन। आप में से बहुत सारे लोगों की रिंग सेरामनी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, परमानेंट आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। अभी तक कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी नहीं आई थी और फाइनली वो एनर्जी भी आ चुकी है। तो डेफिनेटली आप लोग कम्युनिटी में, आप में से कई लोग कम्युनिटी में अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। हैप्पीनेस आती हुई दिखाई देती है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड देन हम इस रीडिंग को करेंगे एंड। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है? इनोसेंस। देखिए जो भी चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिव आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने से ना तो आप हेजिटेट हों और ना ही आप घबराएं। आप उनको आने दें और उनको एक्सेप्ट करें। अगर आपके मन में डाउट्स हैं, ट्रस्ट इशूज़ हैं तो थोड़ा सा टाइम दें, गो विद द फ्लो चलें इमीजिएटली या फिर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। ठीक है, ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और चेक करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय। राइटनेस, जो भी डिसीजन लें मैच्योरिटी से लें। डेफिनेटली जिस एक्शन का आपको बहुत टाइम से वेट था
और अभी भी वेट है वो एक्शन नेक्स्ट टू डेज में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही में नेक्स्ट टू डेज में आपको कोई मॉनेटरी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। आप में से कई लोगों की प्रमोशन हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है करियर से रिलेटेड एंड आप लोग काफ़ी हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। एलोननेस, आप में से कई लोग एलोन काफ़ी फील कर रहे हैं लेकिन नेक्स्ट टू डेज में आप इस एलोननेस की एनर्जी से बाहर निकलेंगे क्योंकि आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे और आपके साथ ही रीयूनाइट हो जाएंगे, आपको मैरिज का प्रपोजल सेंड करेंगे, आपके साथ एंगेजमेंट फिक्स करेंगे, आपके साथ रोका करेंगे। एंड देखते हैं और कार्ड्स क्या आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आपको आपके पर्सन के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही कोई डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। अगर आपको लगता है चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं तो गो विद द फ्लो चलें और थोड़ा सा टाइम लें। अपने करियर पे, अपनी खुद की लाइफ पे जरूर फोकस करें और उसकी ग्रोथ पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन करें। ऐसी वाइब्रेशंस हैं कि जितना खुद को ग्रो करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप लोगों का रीयूनियन परमानेंट होगा और आप दोनों की वेडिंग होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, मे गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग शुरू हुई थी और किंग ऑफ पेंटिकल्स पर ही ख़त्म हुई है। तो जितने मर्जी डेक उठा लो, सभी डेक एक टाइम पे एक ही एनर्जी को रीड करते हैं। सो बाय फॉर नाउ, फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।